मित्रों, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो विविध भारती के सेवानिवृत्त उद्घोषक श्री अशोक सुनाव जी से मेरी बातचीत का था। इस वीडियो में मैंने इशारा भी किया था कि हमें दूसरे प्रोग्राम में जाना है, तो उस प्रोग्राम का वीडियो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें वो फुल फ्लेज उन्होंने प्रवचन किया है। और उसमें एक इशारा भी मैंने किया था कि एक दूसरा पहलू भी अशोक जी का आपको देखने को मिलेगा, वो भी अंदर आया है। तो इस प्रोग्राम के आयोजन में मुझे सहायता मिली इस हॉल के मालिक श्री चिंतन नायक और उनके साथी श्री ज्वलंत नायक जी का, जिन्होंने अपने चिंतन जी के दादाजी नानू श्री नानू भाई नायक ने जो प्रणाली स्थापित की थी कि उनका साहित्य और कला प्रवृत्ति के लिए उनको सबको मुफ्त में ही देना, किसी से कोई रेंट चार्ज नहीं करना या इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी चार्ज नहीं करना, तो वो प्रणाली इन दोनों ने आज भी कायम रखी है। तो इसके लिए मैं उन दोनों का आभारी हूँ, दोनों को धन्यवाद। આપણે આજનું ભાષાનું માધ્યમ હિન્દી રાખીએ તો મને લાગે કે વધારે સારું છે, કારણ કે હિન્દીના વધારે જાણતા છે, રાઈટ? એટલે આપ સબ મિત્રો કા સ્વાગત હે, ઓર આજ હમે ખુશી હે કે હમારે સાથ વિવિધ ભારતી સેવા કે આકાશવાણી કે રાષ્ટ્રીય મનોરંજન સેવા વિવિધ ભારતી સેવા કે ભૂતપૂર્વ सेवानिवृत्त उद्घोषक श्री अशोक सोनावणे जी हमारे साथ है। तो आपका अशोक जी स्वागत है, और उनके परिचय में तो मुझे कुछ कहना नहीं है, अगर कहने जाए तो सूरज को दिए दिखाने का ये बराबर होगा, क्योंकि आप सब लोग उनके लिए जानता ही हो। तो आप लोगों के दिल में दिमाग में जो भी क्वेश्चन कुछ सवाल होंगे तो आप पहले से भी उनको पूछ सकते हैं, और उसके आधार पर उनका उनको शामिल करके वे अपना प्रवचन देंगे। आइए अशोक जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम सूरत की इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूं। ये मेरा परम भाग्य है कि आप जैसे प्रेमी लोगों ने मुझे बुलाया और मैं हाजिर हो गया। पीयूष भाई और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, रेडियो के हम दोनों ही बहुत पुराने साथी हैं। फर्क इतना था कि वो रेडियो के इस बाजू में थे, मैं रेडियो के उस बाजू में, यानी मैं माइक्रोफोन के सामने था और वो रेडियो के सामने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रोता और उद्घोषक का नाता बिल्कुल ऐसा है जैसा एक पैसा होता है और उसके दो साइड होते हैं, उसी तरह से है। एक दूसरे के सिवा उनका वजूद कुछ भी नहीं होता। कोई भी पैसा अगर एक साइड में ही हो तो वो खोटा कहलाता है। जब तक उसको दो साइड ना हो तब तक उसे कोई मूल्य प्राप्त नहीं होता। मुझे रेडियो के प्रति जो आस्था बनी वो बहुत बचपन में, जाहिर सी बात है, आज से 50-55 साल पहले, जब रेडियो बड़े बड़े वॉल्स के रेडियो हुआ करते थे, आप सभी जानते हैं। हमारे यहाँ बहुत गरीबी थी, बहुत गुरबत थी, पर वो दौर कुछ ऐसा था कि पड़ोस वाले का रेडियो अपना ही हुआ करता था। तो कभी ऐसा
पता ही नहीं चला कि हमारे यहाँ रेडियो नहीं है। हम हक से जाके रेडियो चालू करते थे और लोग इतने प्यारे हुआ करते थे उस जमाने में कि उन्हें कभी कोई शिकवा नहीं होता था। बल्कि हम तो छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमें कभी कभी चाय भी मिल जाया करती थी, कुछ खाना भी मिल जाया करता था। तो मैं क्रेडिट उन लोगों को देता हूं जिनके यहां जाके मैं रेडियो सुना करता था। और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और दुकानों में रेडियो, आप सभी परिचित हैं, लगभग मेरी उम्र के हैं आप, तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि घर में रेडियो होना चाहिए। वॉल्स के वो रेडियो, वो एक लाल तार और उसमें छोटी सी एक लाइट सी हुआ करती थी, तो कई बार मैं चुपके से वो अंदर झांक लिया करता था। आप में से कई लोग भी ऐसे कर सकते हैं, बचपन की एक बात थी कि अंदर कौन बात कर रहा है, तो मुझे यूं लगता था तसव्वुर में कि हाँ है कोई ना कोई, छोटी छोटी मूर्तियां वहां हैं और वही बातें करती हैं। तो इस तरह से लगाव रेडियो से शुरू हुआ और उन दिनों रेडियो सिलोन अपने उरूज पे था। विविध भारती भी अपने शैशव अवस्था में था लेकिन रेडियो की अपनी एक पहचान थी, क्योंकि तब दूरदर्शन नहीं था, टीवी नहीं था, सिनेमा था। और सिनेमा भी अभी अभी रंग बदल रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट का ही वो जमाना था। और कहते हैं ना कि जो कैमरामैन होता है उसकी एक आंख से देखा हुआ सिनेमा हम सब देखते हैं, एक आंख से वो जितनी भी दुनिया हमें दिखाता है वो हम देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में ये होता था कि आप जैसे छाया है वहां पर, रोशनी है वहां पर, वो वहां आप, आपका जो तसव्वुर है, आपका जो ख्वाब है, आपका जो विचार है, आपकी जो सोच है, उससे वो खाली जगह आप भरा करते थे। आजकल हुआ क्या है कि हर चीज आपको बता दी जाती है। जैसे फोटोग्राफी का ये कमाल है, आज तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है कि आपके रोए तक वो पर्दे पर दिखाई देते हैं। तो उस जमाने में होता क्या था कि जैसे कि अशोक कुमार डायलॉग बोलते हैं मधुबाला जी की, रूह कांप जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो अपनी आंखों से, अपने चेहरे के हाव भाव से वो हमें ये समझाती थी। और हम अपनी इमेजिनेशन से ये करते थे कि इनके रोए कैसे खड़े हुए हों। तो ब्लैक एंड व्हाइट में हमको एक मौका मिलता था अपनी सोच को वहां परिलक्षित करने का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो गाना चल रहा होता है पर्दे पर, वो दरअसल वो हीरो नहीं गाता है, हम गाते हैं। हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं वहां पर। हम कुछ पलों के लिए उस थिएटर में, जिस हॉल में हम जाते थे, चारों तरफ से पर्दे बंद हो जाते थे और हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे कि हाँ मैं ही हूं, हम चाहे जैसे भी हों। तो फिल्मों ने हमें इस तरह से अपनी ओर खींचा, अपनी ओर जोड़ा, और रेडियो ने उसे और भी आगे बृहद किया इस रिश्ते को, क्योंकि हमें फिल्म जाके देखने का मौका हरदम ही नहीं मिलता था। 3 घंटे नहीं मिलते थे या पैसे नहीं मिलते थे, या कई बार तो हम गांव खेड़े में रहते थे तो वहां थिएटर नहीं हुआ करते। रेडियो उसकी पहुंच बहुत दूर दराज में हुआ करते थे। तो रेडियो ने एक आम इंसान को इस तरह से उस दुनिया से जोड़ा जो एक खाबीदा दुनिया है। मैं हमेशा से ही ये कहता हूं कि आदमी जब तक ख्वाब देखता है, जब तक सपने देखता है, रेडियो कभी मर नहीं सकता। क्योंकि ये हमारे ख्वाबों, ख्यालों, तसव्वुर की एक जीती जागती मूरत है रेडियो। और क्योंकि बीच में ये हुआ कि एफएम का जमाना आया तो लोग कहने लगे कि यार भाई रेडियो का क्या है, अब तो रेडियो कुछ। उसके पहले जब टीवी आया तो लोगों को ये शंका हुई कि अब तो क्या है, अब तो रेडियो नहीं बचेगा। और उसके बाद दूसरा चैनल आया और उसके बाद तो इतने चैनल्स आ गए कि जिसकी गिनती करना आज तो मुश्किल। लेकिन रेडियो आज भी है, रहेगा।
क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ख्वाबों ख्यालों सपनों के साथ जुड़ा हुआ है रेडियो। रेडियो हमें चांस देता है, जैसे ही कोई पुराना गाना लगता है हम खो जाते हैं इस दुनिया में और अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। याद किया दिल ने कहां हो तुम, ये गाना जब चलता है तो हमें भी अपनी महबूबा अपनी ख्वाबों की, हो सकता है कि हकीकत में ऐसी कोई महबूबा नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारी ये ख्यालों की दुनिया है, तस्वुर है, एक ख्वाब है, एक ख्याल है, एक खूबसूरत सा ख्याल है, उसको साथ लिए हुए हम जीते हैं। और वो कहते हैं ना कि अगर हम ख्वाबों में ख्यालों में सपनों में जीते हैं तो वो भी उतना ही सच है जितना कि हकीकत में हम जीते हैं, क्योंकि उससे जो रस हमारे शरीर में पैदा होते हैं, कहना केमिकल रिएक्शन होती है, वो हमें जीना सिखाती है, जीने के लिए प्रेरित करती है, हमारे चेहरे पर हास्य उभर आता है, हमारे चेहरे पर जीवन की रेखाएं प्रफुल्लित हो जाती है। रेडियो ये काम करता है। और मेरा भाग्य ये रहा कि आज से 50-55 साल पहले संगीत अपने उरूज पे था, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, और ये कुदरती ये बात थी कि मुझे कुंदनलाल सहगल साहब बहुत पसंद आते थे। अब ये मालूम नहीं था कि ये कुंदनलाल सहगल साहब हैं या कोई और है। मजेदार सा किस्सा ये है कि मैं स्कूल में पढ़ता था, पहली दूसरी में रहा हूँ, और ऐसा ही कोई स्कूल का कोई कार्यक्रम था दूसरी जगह, मान लीजिए कोई तालुका प्लेस था जहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम स्कूल कमेटी ने आयोजित किए हुए थे, जहाँ पे एक कमरे में कुछ जादू के कुछ वो कर रहे थे, प्रयोग हो रहे थे, कुछ एक जगहों पे कुछ व्यायाम या इस तरह की बातें हो रही थी। एक जगह एक कमरे में, बल्कि वो कमरा नहीं था, एक छोटा सा हॉल ही था, वहां पे गायन चल रहा था। कोई शख्स मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था, एक तानपुरा उनके हाथ में था, और एक ऐसा ही लाइट जो कि ज्यादा बड़ा हुआ था, बड़ा सा था, उनके बिल्कुल सर के ऊपर, और वो गा रहे थे, उनके पास कोई नहीं था, मैं लेकिन वहां पे खड़ा उनको निहार रहा था, क्योंकि कभी रेडियो पे कुछ ऐसे शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम शायद मैंने देखे हों, तो मुझे जिज्ञासा ये हुई कि जो रेडियो पर सुनते हैं शास्त्रीय संगीत दोपहर 3 बजे 4 बजे ऐसे विलंबित ख्याल वगैरह आया करते थे, या कभी रात में भी, तो मैंने सोचा कि अच्छा ये वो है जो रेडियो को रेडियो पे गाते हैं। तो मेरे पिताजी जो इस बात से बड़े नाराज थे कि मैं घर पे ये बता के नहीं गया था कि मैं फला शो में जा रहा हूँ, बस हमारे स्कूल का फंक्शन है, जाइए। तो आए और उन्होंने देखा कि मैं उस प्रोग्राम को देख रहा हूँ, आनंद उन्होंने मुझे कुछ सजा दी, लेकिन मुझे याद यही पड़ता है कि मैंने ना जादू के वो प्रयोग जो चल रहे थे वो ना देखे, और भी कई अट्रैक्टिव चीजें हो रही थी वो नहीं देखी, मैं जाके शास्त्रीय संगीत का वो देख रहा था, जबकि मुझे उसका ना तो सारे गांव उस जमाने में सारे गांव को सरगम का तो पता ही नहीं था मतलब। तो मुझे ऐसे लगा, आज जब मैं ये सोचता हूँ कि जैसे कहते हैं हम लोग की पूत के पांव पालने में, संगीत के प्रति एक लगाव होना एक शुरुआती लक्षण होता है, बाद में उसको अगर आप उसको सही तरीके से नर्चर करें, सीखें बाकायदे, जिसको कि हम मुकम्मल तालीम हासिल करना कहते हैं, वैसा अगर कोई करें तो वो शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत या फिर फिल्म संगीत सुगम जिसको कि हम कहते हैं वो गा सकता है। मेरे साथ जैसा मैंने आपको बताया कि वो दौर ही कुछ ऐसा था कि वहां पर संगीतकार हुआ करते थे सज्जाद हुसैन साहब, शंकर जयकिशन साहब, नौशाद साहब, सी रामचंद्र साहब, मदन मोहन साहब, मतलब एक नाम लीजिए और जैसे कि मेलोडी दौड़ती हुई चली आ रही है, यूं लगता था। शंकर जयकिशन साहब का ऑर्केस्ट्रेशन दिल को मंत्रमुग्ध कर देता था। नौशाद साहब अपने फोक म्यूजिक को इस तरह से ढालते थे कि मन डोलने लगता था, वैसे हेमंत कुमार साहब का भी हर एक अपने एक अंदाज था।
सज्जाद हुसैन साहब मिडिलिस्ट का जो संगीत है उन्होंने अपने इसमें लाया, जैसे कि सौरभ मोदी रुस्तम सौरभ का वो गाना आपके जहनों में जरूर आ गया होगा। तो वो दौर ही कुछ ऐसा था जब, जिसके लिए कहा जाता है कि व्हेन मेलोडी वाज क्वीन। आप सभी जानते हैं, सुधी श्रोता हैं आप लोग, सभी समझदार हैं, संगीत दो चीजों से बना हुआ होता है, एक मेलोडी और एक रिदम। हमारे संगीतकारों में श्री रामचंद्र साहब जिनको कि याद किया जाता है, उन्होंने मेलोडी और रिदम दोनों को एक साथ मिलाया। हालांकि उस जमाने में यूं हुआ करता था कि बगैर मेलोडी के रिदम आता ही नहीं था। मेलोडी जो है संगीत की जान मानी जाती थी और रिदम उसका ऊपरी हिस्सा। मैं श्री रामचंद्र साहब को इसलिए याद करता हूं कि उनके यहां रिदम मुखर होके आता है। अपलम चपलम याद कीजिए आप, जितने भी गाने हैं उनके, उन्होंने बेचैन नजर बेताब जिगर, इतनी खूबसूरती से वहां पे उभर के आता है संगीत रिदम कि हमें लगता है कि जैसे ये गाना मेलोडी से नहीं बल्कि रिदम से बना हुआ है, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने मेलोडी इन गानों में संगीत में कूट कूट कर भरी हुई है और इसीलिए ये गाने आज भी जिंदा हैं, क्योंकि मेलोडी कभी नहीं मरती। रिदम जब तक कि वो ताल बज रहा है वो चलता रहेगा, आपको रिझाता रहेगा, आप दिलो दिमाग से झूमते रहेंगे। लेकिन जैसे ही ताल बंद हुआ, ढोलक बंद हुआ या जो भी आपका पर्कशन जो भी है वो बंद हुआ कि आप थम जाएंगे। मेलोडी का ऐसा नहीं है। मेलोडी उस ऊद की तरह है, उस अगरबत्ती की तरह है जो जल जाने के बाद भी उसकी खुशबू कायम रहती। इसीलिए हम ये कहते हैं आसानी से कि अरे 70 साल हो गए, 80 साल हो गए इस गाने को हम याद करते हैं। ये इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उनमें जो जान फूकी थी इन महान संगीतकारों ने, वो मेलोडी की जान थी। वो आज से हजारों साल बाद भी वैसे ही रहेंगे, उससे लोग प्रेरणा लेके दूसरे गाने बनाएंगे। हो सकता है कि दूसरे गाने बन सकते हैं उसी पे आधारित, वो गाने कभी मर नहीं सकते क्योंकि उनमें मेलोडी है। मेलोडी संगीत की जान है, जैसा कि मैंने कहा। ये मेरे ओवर द इयर्स मैंने इसको जानबूझ के पढ़ा, सोचा, समझा और एक्सपेरिमेंट भी किया इसकी वजह से। तो शुरुआती दौर मेरे बचपन का ये था कि जब ये महान संगीत का छाए हुए थे और साथ ही साथ ये कुछ बोलने वाले लोग ऐसे थे कि जिनका भी जादू मेरे बाल मानस पर पड़ता रहा। जैसे कि आपके जहनों में पहले ही एक नाम आ जाता होगा, अमीन साहनी साहब का। बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन अमीन साहनी से मैं रूबरू बाद में हुआ, उसके पहले और भी कई नाम थे जैसे जिनके नाम मैं जानता नहीं हूँ। हाँ, वो अनाउंसमेंट जरूर जानता हूँ, जैसे कि रेडियो सिलोन पे उस जमाने की अलग सी एक वो आया करती थी, और आप लोगों को याद हो वो टीनो पॉल की एक जिंगल आया करता था, टीनो पॉल टीनो पॉल टीनो पॉल, आपको जरूर याद होगा। एक से और भी हम लोग जुड़े क्योंकि ये जिंगल जो होते हैं ना दिल को गुदगुदाने वाले होते हैं। तो इन जिंगल्स ने भी अपना एक संसार पैदा किया था जिससे मैं बहुत मुतासिर रहा, प्रभावित हुआ और उन आवाजों की तरफ मुड़ा जो वो गाने हमारे लिए पेश किया करते थे। अमीन साहनी साहब उन्हीं में से एक थे, रेडियो कार्यक्रम आया करते थे और मनोरंजन के तौर पर सही या फिर एक लगाव था, मैं वो कार्यक्रम सुना करता था। विजय मर्चेंट साहब का आया करता था क्रिकेट विद विजय मर्चेंट, वो अंग्रेजी में था, अंग्रेजी का कुछ भी नहीं आता था, फिर भी उनको बोलना अच्छा लगता था, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो विजय मर्चेंट साहब और उनकी तरह बोलने का हम प्रयास किया करते थे। दिस आई विश माय लिसनर्स अ वेरी गुड आफ्टरनून, तो ये अच्छा लगता था उनकी तरह से बोलना।
और वैसे ही क्रिकेट कमेंट्री भी उस जमाने में बड़ी दिलचस्प वो हुआ करती थी, पहले तो हॉकी की और बाद में क्रिकेट की। हॉकी की बड़ी तेज कमेंट्री होती थी तो हम लोग वो सुनते थे, और उसमें भी जो कुछ बोलने वाले होते थे हमें पसंद आते थे, उन्हीं में से जोगा राव एक मेरे पसंदीदा का जी, सुशील दोषी जी, वो बहुत बाद में आए, पर शुरुआत में मनीष देव खान साहब, मनीष देव और जसदेव सिंह, हालांकि जसदेव सिंह हॉकी की भी करते थे क्रिकेट की भी करते थे, नरोत्तम पुरी थे, चक्रपाणी थे और भी कई ऐसे, मांजरेकर जी, सुरेश सरैया तो हमारे पड़ोसी थे और उनकी मिसेज चूंकि हमारे यहाँ अनाउंसर थी मीरा सरैया जी, तो सुरेश भाई के साथ ही हम क्रिकेट मैच देखने जाया करते थे, उनका बायोग्राफी लेके हम कई मैच ऐसे करीब से देखा करते थे कि किस तरह से कमेंट्री होती है। सर विजी भी एक जमाने का ऐसा अनाउंसर था, उसके भी आवाज का मजा था। कौन? विजय सही बात है, इनके अपने अंदाज हुआ करते, सबकी अपनी एक शैली हुआ करती थी, बोलने का ढंग हुआ करता था, एक लय हुआ करती थी, और ये मुतासिर करते थे, प्रभावित करते थे सुनने वालों को। तो मेरा मन भी इन्हीं लोगों को, जैसे कि मैंने थोड़ी सी बातचीत में पीड़ित भाई को भी बताया कि हसन रिजवी साहब मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उनकी भारी भरकम सी आवाज, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो तुम हंसी मैं जवां इस फिल्म का वो जो रेडियो कार्यक्रम आया करता था तो वो पेश करते थे उस कार्यक्रम को, तुम हंसी मैं जवां इस तरह से उनकी आवाज थी। और मुरली मनोहर मंजुल वो हमारे CBS के डायरेक्टर भी थे, कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ मुंबई, तो वो डायरेक्टर भी थे और कमेंटेटर भी थे, उनका उनका भी एक अलग अंदाज था, ये गेम घूमी इस तरह से जैसे लगता था कि वाकई गेम घूमी। और इसके बाद सुशील दोषी जो कि इंजीनियर थे हमारे ऑल इंडिया रेडियो में, उन्होंने बतौर कमेंटेटर जबरदस्त काम किया, इसमें दो राय नहीं, पर ये बाद वाली बातें हैं। तो शुरुआत का वो जो दौर, इन आवाजों ने हमें बहुत मुतासर किया। ब्रजभूषण एक ऐसी आवाज जिसे आप आपने जरूर कई फिल्मी गानों में भी सुना होगा, संगीतकार भी थे, सबसे अच्छे साथी रहे जी, बिल्कुल संगीतकार भी थे, संगीतकार थे कई सदियों से, कई जन्मों से, तेरे प्यार को दर्शे मेरा भारत, डबिंग आर्टिस्ट थे, सरस्वती चंद्र जो है फिल्म उसके हीरो का जो रोल था, वो बंगाली हीरो थे मनीष, उसके लिए पूरा उन्होंने अपनी वॉइस दी है, तो उपहार भी उन्हीं की थी, तो जैसे उपहार का वही क्या करते थे, तो उनका भी एक अंदाज हुआ करता, अमीन सहनी और ये एक साथ ही हुआ करते थे, लेकिन हर एक का अपने एक अंदाज था। मुझे अच्छे लगते थे ब्रजभूषण, क्योंकि उनकी आवाज में जो एक क्रिस्टल क्लियरिटी थी, तो है ना सर, हाँ अभी भी है ना, अभी भी है, अभी भी है, और माशाल्लाह अभी भी उनकी आवाज में वही ताजगी है। अमीन सहनी साहब का भी यही है, हालांकि इतने अलील रहते हैं अभी भी, 90 के आसपास है मेरे ख्याल से, पर आवाज वैसी है, और वो कहते हैं कि रोक सकता है हमें कौन मजरूर, हम तो आवाज है दीवार से छन जाते हैं, और ये प्रूव करते हैं ये सारे लोग, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मुझे मुतासर किया, और मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, मैं सच बताऊं आपको, उनके छोटे भाई तो चले गए, किसके, जैनी के बड़े भाई के, छोटे भाई नहीं, बड़े भाई थे जिनकी वजह से वो रेडियो में आए, हाँ हमीद सायानी जी, बिल्कुल HMB में वो थे, और उन्हीं की बदौलत अमीन भाई रेडियो में आए। तो ये वो शख्सियतें थी, जैसे कि मैंने बताया कि उन दिनों ये रेडियो कार्यक्रम बहुत सारे आया करते थे, और क्रिकेट का हॉकी की मैचेस में जो कमेंट्री हुआ करती थी बड़ी मुतासिर करती थी। पाकिस्तान के जितने भी मुझे आज भी याद है 76-77 की वो मैचेस, जिसमें चिश्ती मुजाहिद साहब एक थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे,
और जब भी वो कमेंट्री करते थे तो यूं बोला करते थे कि ये गावस्कर ने खेला और कटाई चौका जिसकी वजह है। तो ये सारी हालांकि मुझे अंग्रेजी के अनंत सेटल बार वो मेरे गुरु के समान यरसन सुरीता हाँ जी यरसन सुरीता हाँ हाँ वो भी थे सरदेव सन्याल हाँ हाँ वो थे जेपी आनंद राव हम हाँ ये तमाम नाम याद आते हैं। और अनंत सटलवार साहब जिनको कि मैं एक लवली की तरह पूछता था कभी ऐसा दौर आया सुरेश सरैया जी की वजह से कि मैं उन दोनों के बीच में बैठा करता था और मतलब बालगढ़ स्टेडियम में और हम लोगों ने मैच का लुत्फ उठाया। वो पहली बार जो पाकिस्तान से आई थी पाकिस्तान वाली टीम मोरारजी देसाई के राज में 77 में जी जी जहीर अब्बास कैप्टन बनकर आया था और हिंदी में हमने कॉमेंट्री उस टाइम सुनी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ये वो दौर है जिसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की वजह से इस दौर की वजह से मेरे अंदर बोलने का एक जो बीज है उसका बीजांकुरण उस वक्त हुआ है। तो मैं क्रेडिट इन महान आत्माओं को देता हूं जिन्होंने अपनी आवाज से अपने अंदाज से अपनी भाषा शैली से आवाज की दुनिया को नवाजा है। मैं उनको अपना सहयोग पेश करता हूँ और हाँ मैं कभी भी नहीं भूल सकता जिनकी बदौलत मैं रेडियो में आया वो पंडित विनोद शर्मा साहब। मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं था केवल बातचीत का मेरा अंदाज उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इंटरव्यू में ही मुझे बता दिया था कि तुम्हें लिया गया है। तो मैं जहाँ गई वो मैं उनकी आत्मा को हमेशा सलाम करता हूँ प्रणाम करता हूँ नमन करता हूँ। तो बहुत सारी बातें हो गई आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी तो आप भी पूछ लीजिए मुझे कुछ अगर पूछना चाहते हैं। पूछना तो ठीक है लेकिन हम हमारी ओर से भी 5-5 मिनट बोलना चाहते हैं। अच्छा आपके बारे में हमने जो मैं आपका स्वागत है आज नहीं आपका पूरा हो जाए तो नहीं मेरा तो पूरा अभी आगे कुछ चलना है तो नहीं नहीं मैं तो बस आप लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ बिल्कुल आपसे भी छोटा हूँ क्योंकि मैं बोले मेरे लिए कोई कहे कुछ दोषा नेटिव कौन सा है नेटिव मेरा मारस का है जी मारस भाई बर्थ तो मैं वैसे मुंबई में मेरी पैदाइश मेरा सब कुछ लेकिन खानदेश जो है मेरा वतन कह लीजिए इसलिए आप लोगों ने कभी सुना होगा बहुत कम बार मैं अपने को बस अशोक ही कहलाना पसंद करता हूँ ताकि मेरी पहचान ये न बने कि मैं फला जगह से हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं भारतीय कहलाऊ मैं मानव कहलाऊ। नहीं आपने अशोक ही बुलाया हर बार जब भी आप आए हैं फरमाइश में भी आए हैं कोई न कोई प्रोग्राम छाया गीत में भी आए अशोक का नमस्कार जी। मेरा यही एक मानना है कि आदमी क्या कहते हैं ना कि आदमी को मैसर नहीं इंसान होना तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं एक इंसान में हूँ एक आदमी के तौर पर मेरी पहचान रहे। और आप लोगों का ये जो प्यार है ये यूं ही बना रहे बस मैं और एक दूसरे के साथ आपका प्यार बना रहे सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि आप जितने भी सहृदयशील लोग हैं वो जुड़ते रहें क्योंकि ये जुड़ाव जो है हमें बृहद करता जाएगा बढ़ाता जाएगा। तो आपने मुझे मौका दिया मेरी बात है जी किसी कलाकार के बारे में वो एक कलाकार आपको मेरे को ख्याल से आपका देवानंद से बड़ी लगाव है और मोहम्मद रफी से जीती हो तो और उर्दू उर्दू लैंग्वेज का भी आप बहुत मास्टरी है। ये तो ऊपर वाले की देन है हालांकि प्रयास मेरा भी छोटा मोटा रहा है जिस चीज को आप चाहते हो उस तरह से करते हो तो मैंने भी उर्दू के लिए प्रयास किया है कई बार गलत प्रोनाउंसिएशन करके तो कुछ एक साथियों ने कहा कि नहीं आप इस तरह से नहीं इस तरह से बोलिए तो मैंने बाकायदे एक इनकलाब पेपर जो आता है उर्दू का वो लगा दिया था अहमद वसी साहब जो शायर और गीतकार फिल्मों में उनके गाने मिलने का मौका उनसे मिला है जी विविध भारती के एक वरिष्ठ उद्घोषक और मेरे बड़े भाई मेरे मार्गदर्शक और मतलब मैं उनको अपने प्रेरणा का स्रोत मानता था तो उनकी बदौलत
कुछ मेरा प्रयास, मैंने उर्दू पे जो कुछ थोड़ी बहुत, अभी तो अभी तेरे इम्तहान और भी हैं इस तरह से मेरे लिए, जहां और भी है जो कुछ है थोड़ा बहुत, आप लोग प्यार से सराहते हो कि भाई अशोक जी अच्छा उर्दू बोलते हैं। मुझे शर्म आती है क्योंकि अच्छा बोलने के लिए वो अहमद वसी साहब का एक शेर है कि उन्होंने उर्दू के लिए ये कहा है कि वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो अहमद वसी साहब का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, मैं नहीं बोल सकता इस बात को। जैसे कि किसी ने कहा कि मेरा कुछ अनुभव, रेडियो के लिए आप कोई तैयारी करके नहीं जा सकते जहां तक कि मैंने, क्योंकि आज अगर ये मिस्टेक हुई है तो कल यही होगी, ऐसा नहीं है। हर दिन हर पल नया पल, कुछ भी घटित हो सकता है, जो प्रत्युत्पन्न मति होती है कि उस वक्त आपने क्या सोचा, ये आपके अनुभव पे है, आप कैसा सोचते हैं, क्या आपका अभ्यास है, इस पर वो निर्भर करता है। मिसाल के तौर पर मेरे एक और प्रेरणा के स्रोत रेडियो के रहे हैं किशन शर्मा जी। हम लोग आकाशवाणी के सामने चाय पी रहे थे और जो चाय बनाने वाला था, रेकी में से चाय बनाता था, उसने एक छोटा सा ट्रांजिस्टर टांग रखा था हमारा ही। तो हम लोग चाय का लुत्फ उठा रहे थे, ड्यूटी पर थे, कुछ आधे घंटे का कोई प्रोग्राम लगा के हम आके 15 मिनट में चाय पी के जाया करते थे। कई लोग जैसे सितारा देवी, मैं ये बताता चलूं आप लोगों की, हमारे गैंग में कई बार सितारा देवी भी हम लोग साथ में चाय पिए हैं, टुनटुन हमारे साथ होती थी, और राजकुमारी दुबे, राजकुमारी, हाँ, वो चाय पीते पीते बोलती थी, हाँ तू तो मेरा वही गाना लगाता है इप वाला, दूसरे भी लगाया कर तो वही जगह वहां चाय पीते हुए हम लोग खड़े थे, यही दिन के 3:30 हुए थे। और किशन जी वो भी चाय के बड़े शौकीन और बातों का लुत्फ, हम सब बतरस में रंगने वाले और डूबने वाले लोग, सारे बोलने वाले लोग। तो एक कार्यक्रम वहां चल रहा था, उनकी नजरें थोड़ी सी ये विचलित हुई, उन्होंने चाय का प्याला वहीं पे रखा ऐसे, और वो तुरंत भागे गेट की तरफ, ऊपर गए, हवा महल आ रहा था, तो हवा महल रात के 9:15 बजे आया करता था। तो बोले दिन में कैसे आ गया, किसी अनाउंसर ने गलत से वो लगा दिया, इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना ड्यूटी रूम की तरफ गए ना कुछ गए, सीधे अंदर गए स्टूडियो में और वो प्रोग्राम बंद किया। फिगर तो एक जगह लगा ही रहा करता था हमारा, और उन्होंने एक अनाउंसमेंट दी कि आप सुन रहे थे हवा महल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 9:15 बजे। ये थी एक छोटी सी झलक, सुनना ना भूलिए। तो मतलब कहने का ये कि किसी से कुछ नहीं कहा, ये कि अनाउंसर की एक क्वालिटी ये भी हुआ करती है कि आप कब किस वक्त क्या सोचे क्या करें, ये आपके अभ्यास पर, आपके लगाव पर, आपका एसोसिएशन आपके काम के प्रति कितना है, इन बातों पर निर्भर करता है। अभी आपने किसी ने बताया था कि हम देवानंद साहब से मेरी मुलाकात ऐसे ही हुई, बचपन में ही 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तो बिरला मंदिर एक हमारी जगह कल्याण के पास है, तो हम गए हुए थे, तो वहीं पे एक छोटी सी मुलाकात हो गई थी, जानी मेरा नाम आने वाली थी, तो उस वक्त थोड़ा सा ये हुआ था, हालांकि मुझसे कोई बात ही की थी उन्होंने, जब उन्होंने किसी से कुछ कहा तो मैंने बस इतना भर कह दिया था, उन्होंने पूछा किसी से अपने यूनिट से कि भाई आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं क्या, तो मैंने जवाब दे दिया हाँ, मुझे यूं लगा कि मैंने उनसे बात की। तो इतना भर रहा, बाद में फोन पर बात हुई, क्योंकि हम चाहते थे कि उन्हें विविध भारती में बुलाए,
तो वो हमेशा की तरह जवाब देते थे कि मैं दौड़ता रहूंगा, तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ लेना। बड़ा जिंदा दिला था। बहुत जिंदा। अच्छा, दूसरी बात ये, जो अनुभव की बात आप कर रहे थे, आज से कुछ 10-11 साल पहले विविध भारती की टीम जैसलमेर राजस्थान गई थी और वहां पर पाकिस्तान बॉर्डर पे 2007 हो सकता है, 50वीं वर्ष गांठ थी भारती की, उन लोगों ने बढ़िया स्वागत किया था जी, बहुत बढ़िया स्वागत। तो हम उन बंकरों में बैठकर, मैंने उन कर्नल का इंटरव्यू किया बंकर्स में बैठकर, बाकायदे पाकिस्तान की सरहद और यहाँ हम बैठे हुए उन बंकरों में जहाँ कभी गोले, और जो स्पेगेटी युद्ध के नाम से वो जगह जानी जाती है, तो मुझे बहुत गौरवान्वित हुआ मैं उस अनुभव को ये करके, क्योंकि मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं फौज में जाऊं, फौज में जाने की बड़ी तमन्ना थी, दिली तमन्ना थी, पर मैं नहीं जा सका और वहां गया तो मुझे बहुत ही असीम आनंद हुआ, वो एक बड़ा मेरी जिंदगी का एक अनुभव है। हमें मिलता तो नहीं, क्योंकि बीच में कारगिल वारगिल में मैं देश के नाम अपने आप को समर्पित कर देता। ये सेवा भी कोई कम नहीं है भाई, बहुत बड़ी। हाँ, ये बात आपने सही कही, ये कोई कम नहीं, क्योंकि लोगों का मनोरंजन करना ये भी एक सेवा है। उसके साथ दिल दीजिए, आपने आपने बहुत ऐसी विशाल जनता आपके दीवाने हैं। ये तो अब ऊपर वाले की मेहर है, उसकी और उसकी कृपा के सिवा तो ये संभव नहीं। यस, तो राजा जैसे आपकी इच्छा आपको करते हैं, कुछ हम सब करते हैं। अच्छा सवाल आपने ये पूछा कि गले के लिए क्या, मैं तो वैसे नहीं करता हूँ, वैसे एक भ्रामरी एक प्राणायाम होता है, कुछ लोग भ्रामरी जो ये जो है इसको बंद करते हुए और ये तो उससे नाक से ओम कहना होता है, तो वो करते हैं जिससे कि आवाज में आपकी सुधार हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपका जो व्यक्तित्व होता है, आप अंदर से क्या हो, कितना अच्छा है आपका व्यक्तित्व, कितने क्रिस्टल क्लियर हैं आप, उतनी आपकी जुबान साफ हो। अगर कोई आदमी काइया है, मान लीजिए एक मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूं, तो उसकी जुबान जो है वो उतनी साफ सुथरी नहीं है, जितने भी बोलने वाले लोग, जितने सर्वदयशील लोग होते हैं, उनकी आवाज, उनका अंदाज, ये काबिले तारीफ होता है। तो उसके लिए कोई व्यायाम करने की, कोई वर्जिश करने की जरूरत नहीं होती, आपका दिल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, यही एक शर्त है, ऐसा मैं मानता हूं। हालांकि ये कहा जाता है कि वॉइस इज नथिंग, द मैटर इज ओनली थिंग दैट इज कॉल्ड स्टाइल, स्टाइल दैट मैटर्स, वॉइस इज नथिंग। अमीन सैनी की आवाज आप और मेरे जैसी है, लेकिन वो जो बहर उनके अंदर है, बोलने का अंदाज और जो लहजा, वो रिदमिक जो उनका बोलना है, बहन और भाइयों, ये जो होता है, और हर शब्द को जिस जैसा है वैसा बोलने का जो उनका अंदाज है, उसकी वजह से, बाकी स्टाइल इज मैटर्स, वॉइस इज नथिंग। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से रूबरू होते हुए, अपने आप को प्रकट करते हुए जो कुछ बोल पाया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत बढ़िया। अशोक जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने सुनाई, वैसे मैं ज्यादातर रेडियो सुनता नहीं हूँ, फिर भी उनकी बातों अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने शुरू शुरू में बताया आपको कि रेडियो के अंदर वो जानते थे कि कौन गा रहा है, कौन मस्ती है अंदर, ऐसी एक बात मुझे याद आई। क्रिकेट का मैं बहुत भारी चाहक था, फिक्सिंग के बाद से क्रिकेट देखना छोड़ दिया, फिर भी जब मेरे घर में नीचे मेरे अंकल जो रहते थे उसके वहां वो बड़ा रेडियो था, और हमारे पहले माले पर वो लाउड स्पीकर था,
उसके ऊपर कमेंट्री सुनते थे तब विनु मंकड़ याद होंगे क्रिकेट जो पिटते हैं विनु मंकड़ वो बोलते थे विनु मंकड़ इज कमिंग टू बोल मैं सोचता था ये मंकड़ कैसे बोल करता है सी जो उन्होंने कहा ऐसा मुझे होता था कि मंकड़ कैसे बोल करता होगा फिर मेरे बड़े भैया से डरते बड़ा भाई विनु मंकड़ नाम का प्लेयर है वो खेल रहा है हाँ सिंध के वो जो विनु मंकड़ नाम का जो प्लेयर है वो खेल रहा है तू कमेंट्री सुन दूसरी बात मत कर इन्होंने विजी का नाम याद किया ऐसे कमेंटेटर से वैसे तो मुझे भी अच्छी अच्छी कमेंट्री सब की आती है देवराज पुरी पी आनंद राव सबकी मैं कमेंट्री करता हूँ लेकिन ये समय नहीं आया वो दौड़ने का लेकिन विजी की जो बात हुई ना उसका जो स्टाइल था मैं बता रहा हूँ आपको वो क्रिकेट कमेंट्री दे रहे थे बोलते He hits it high and hard in the air. It is going to out, out, out. जब कमेंट्री समझे तो टीवी है तो नहीं कमेंट्री समझे हम देखा तो आउट है जो और मतलब दिल्ली धड़कन में जा इंडियन के बैट्समैन में तो आउट 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 है ना इट्स अ ग्लोरियस सिक्स सी आखिर आता है यानी कमेंट्री करवानी ये स्टाइल है थी ये बहुत अलग प्रकार नहीं थी और आप जी याद हो तो याद करिए ना तो कला को ना कला को निकली जाए थैंक यू वेरी मच યાદ છે એવું સાંભળવા માંગુ છું સર અશોકજી આપસે એક નિવેદન કરતા હું કે જિસે जिसके आज जिसके घर पर आज मेहमान आप बने हुए वो पीयूष सिंह मेहता रेडियो की मेहरबानी है वो भी मेरा यार है कम से कम मुझे लगता है कि जो मैत्री सभा हमारा आज तक चला है वो डोर को मैं याद करता हूँ 12-15 साल तो हो गया होगा रेडियो से हुआ फरमाइशी गीत में हुआ सर हमने हम कम नसीब इसलिए है मैं भी खुद अपने आप को इतना कम नसीब समझता हूँ कि हमने जो इच्छा रखी थी कि कभी ना कभी कमल शर्मा से और अशोक जी से हमारी मुलाकात होगी इतनी चाहना थी हम आपके दीवाने थे खास अशोक जी आपके और कमल शर्मा से निमी जी से मेरी बात हो गई थी निमी जी से जब मैंने आलो फरमाइश में फोन किया था और उस टाइम मैंने वो गाने की फरमाइश की थी पूजा के फूल मियाओ मियाओ मेरी सखी अच्छी अच्छी मेरी सखी वो गाना निमी जी ने बजाया था बहुत सारी बातें हुई थी उसके बाद एक बार फरमाइशी गीत मैंने जब मैंने जरा इसका सर मुलाकात हुआ वो जो अपना अमरकांत दुबे अमरकांत जी से मेरी मुलाकात हुई उस टाइम भी मैंने बहुत सारी बातें की उसमें मैंने ऐसा बोला कि भाई अमरकांत जी शायद मेरे को ऐसा लगता है कि जो जिस गाने की मैं फरमाइश करता हूँ वो शायद आपके वहाँ से नहीं आपके वहाँ होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता लेकिन मुझे गाना बहुत टाइम से मैंने नहीं सुना है और वो रेडियो पर आप बजाते भी है बिलन के सभी गाने बजाते हैं वो गाने क्यों नहीं बजाते हैं बोला कौन सा गीत मैंने बोला आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े ये गाना था दुबे जी से था आपको मालूम होगा वो गाने फिल्म में कट किया गया एक बार हमारा जो बहुत उसका नाम अभी मुझे याद रहेगा राजेंद्र त्रिपाठी जी अभी तो है अभी उनका भी है मेरे को ऐसा सुना है कि उसका भी रिटायरमेंट होने वाला है ऐसा सुना है तो वो रिटायर वो उनके साथ बात हुई तो उनको मैंने वो गाना मैंने बोला यार कम से कम एक गाना ऐसा है मैं ऐसा चाहता हूँ हमारी सूरत बहुत भोली भाली नगरी है यहाँ के सब लोग बहुत मिजाजी है खुश मिजाजी खाने पीने का शौकीन है और सब मस्त राम है ऐसी सूरत को कभी किसी की नजर ना लगे वो गाना बजाइए तेरी प्यारी प्यारी
सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बटू। अच्छा अशोक जी मैं आपके साथ मुझे ना लगाव था समझो नहीं आप अच्छी बात है कि अभी मैं 71 में हूँ शायद मेरी आखिरी कोई पूछते कोई ऊपर वाला भी पूछता तो मैं यही करता हूँ मुझे हमारा अशोक जी से हमारी मुलाकात एक बार होनी चाहिए। आज हमें इतना बड़ा अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप यहाँ सूरत के आंगन पर आए हमारे वहाँ यहाँ पर आए हो तो आपकी दो किट की मैं आपको कम से कम छाया किट और ऐसे कोई दूसरे कार्यक्रम में भी जो आप भिड़ा है उनके उगाने पर शायद आपको अभी पता नहीं होगा। मोहम्मद रफी के ये गाने मोहम्मद रफी के बड़े चाहत है मैंने इनकी बार बार फरमाइश के अंदर दिया है जब भी किसी ने रफी की फरमाइश की है तो खुश हो जाते थे वो मुझे दिखता रहे इतना खुश हो जाते थे कि बात मत पूछो। तो वो गाना था सर जाने बहार तेरे जाने बहार वल्ला क्या बात है ये गाना आपको बहुत पसंद था वो शकील बनियानी का गीत था रवि का म्यूजिक था कौन अपना कौन पर है प्यार क्या तो डरना क्या प्यार करना क्या तो डरना क्या और एक गाना आपको बहुत पसंद है वो गाना का आपने बहुत बार लुत्फ उठाया आपने आप खुश भी जाए कुछ टाइम देखते भी है मैं तो रेडियो पर सुनता था आप ऐसा मूड में आ जाते थे वो गाना है तोड़ के झूठे रिश्ते नाते आया मैं दिल वालों में सच पूछो तो चोर से ज्यादा दौलत के रखवालों में कल की दौलत आज की खुशियाँ उनकी महफिल अपनी गलियाँ असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे। सर आप जैसे देवानंद के प्रेमी है मैं भी देवानंद प्रेमी हूँ आपको मैं आज मेरी असलियत बता दे रहा हूँ कि अगर मैं जिंदा रहा हूँ मैं दावा के साथ कह सकता हूँ अगर किसी को डॉक्टर की दवाई नहीं खानी है और रेडियो का प्रेमी बनना है रेडियो से लगाव रखना है छाया की सुनना है दोपहर का 2:30 बजे से जो गाने आते हैं वो सुनना है तो मैं समझता हूँ उसका आयुष्य बढ़ सकता है और पुरानी फिल्मों के साथ लगाव रखिए। मैं कम से कम आज तक 50 बार गाइड फिल्म में देख चुका हूँ सर मुझे उस गाइड फिल्म का नजर ऐसा पागलपन है मुझे बार बार उसमें से टॉनिक मिलता है। मैं आज इतनी खराब परिस्थिति में खड़ा होकर आपके सामने खड़ा हूँ तो उसके दो 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 बात को मैं क्रेडिट करता हूँ एक तो वेद भारती रेडियो और एक मेरी गाइड फिल्म देवानंद सर की। सर आपकी उर्दू की बात भी मैं बहुत खुश हूँ आपकी लैंग्वेज में हिंदी के साथ उर्दू ऐसी झलकती है तो मुझे लगता है कि उर्दू का आपके पास बहुत सारा ज्ञान है। ठीक है सर हम आज फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपके धन्यवाद व्यक्त करते हैं। दोस्ती कहो या श्रोता और एनाउंसर के रूप में जो एक पहचान कैसे बनी तो इसका एक नमूना मैं पेश करना चाहता हूँ जो हेलो आपके अनुरोध पर मैं हमारी बातचीत प्रसारित हुई थी तो अमीन साहब
हुआ क्या था, इसके पहले अशोक जी से एक बार विविध भारती में छोटी सी हल्की सी मुलाकात हुई थी, ममता जी के साथ आप बैठे थे, लेकिन उस टाइम हमारी इतनी बातें नहीं हुई थी या इतने हम नजदीक आएंगे ऐसा सोचा भी नहीं था। पर ये धुन की जब फरमाइश की तो उसी दिन हुआ क्या कि उनको छाया गीत भी रिकॉर्ड करना था, तो और उसी दिन ये प्रसारण के दिन ही उसकी प्रसारण किया जाने वाला था, तो उस छाया गीत मैंने सुना तो उसने इसी रिकॉर्ड से बाकी की दो धुने उन्होंने अपने ब्रेक में बजाई, तो मुझे जरूर अंदाजा हो गया कि हमारे चाहक बन गए बोले अंदाजा हो गया था। फिर कभी कभी कुछ बात कहनी होती है प्रोग्राम के बारे में, तो मैं क्या करता था, सदाबहार नगमे दोपहर को समाप्त होता था, तो अभी मुझे बाद में प्रोग्राम आता था सखी सहेली जो दूसरी दो अनाउंसर लाइव में करती थी, तो उनको स्टूडियो छोड़ना होता था, वो मुझे पता था कि अभी वो ड्यूटी रूम में आए हो गए ट्रांसमिशन रूम में, तो मैं ट्रांसमिशन रूम में फोन जोड़ता था और उनसे बात करता था। कभी बाद में उनका मोबाइल आया तो उन्होंने फिर मोबाइल मुझे दिया कि भाई आप कभी इस पे फोन कर सकते, जरूर पड़े तो कुछ बताना। तो उसमें एक और बात हुई कि हमारे सूरत में जो के साहब थे तो उनके बड़े चाहक रहे, और जब भी विविध भारती में उनके जन्मदिन के दिन उनकी ड्यूटी होती थी तो मेरे प्रयास से उन्होंने थोड़ा गानों के शेड्यूल में अपने आप चेंज कर दे, कोई कैजुअल अनाउंसर होता तो हिम्मत नहीं करता, परमानेंट अनाउंसर होने के कारण ये कर सकते थे, तो एक दो गाने ये बजवाते थे, या कभी एक बार रेणु बंसल जी से बजवाया था, ये मुझे याद है, सुना था आपने, सुना था। और ये भगवती कुमार जी ने भी उनकी सारी नोंद ली थी, और उनके उर्दू के भी वो चार थे कि अशोक जी उर्दू बहुत अच्छे बोलते, मुझे उन्होंने बताया था। तो हमारी आज सूरत में इतने सालों के बाद हमारे घर पे और ये हॉल में उनको लाने का मुझे मौका मिला तो मैं बहुत आनंदित हूँ। अभी कोई किसी और को कुछ बोलना है या पूछना है तो पूछ सकते हैं, इधर आके भी पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं बचपन से रेडियो सुनती आ रही हूँ, रेडियो तो मेरी जान जैसी लगती है मुझे, और आपने बोला ना पीयूष भाई, तो जब आपने रेणु बंसल जी से बात की थी ना, हाँ भगवती कुमार शर्मा के बारे में, तब मुझे बहुत स्ट्राइक हो गया, हमारे सूरत के पीयूष भाई और सूरत के एक बड़े साहित्यकार के साथ बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको 2007 की बात, हाँ 2007 में गुजरात मित्रों में, हाँ तो गुजरात मित्रों में मैंने अपना वक्तव्य दे, अरे अपना वो प्रतिभाव दे दिया, और तब पीयूष भाई मुझे पहचानते नहीं थे, उन्होंने मेरा नाम जय राणा है, तो मेरा नाम ढूंढने के लिए कितनी कितनी कोशिश की है ना, तब उन्होंने सब जय राणा जी को बाद में पता चला कि ये तो हमारे नटू भाई को पहचानते थे, लेकिन उनकी वाइफ थी ये हमें पता नहीं था। और क्या है कि मैं विविध भारती बचपन से सुनती आ रही हूँ, तो सखी सहेली में मैंने मेरी दो कविताएं भेजी, और मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि मेरी कविता आएगी, मैंने गुजराती में लिखी थी लेकिन ट्रांसलेट करके मैंने हिंदी में भेजी, तो शहना जी ने एक बार पढ़ी और एक बार ममता जी ने पढ़ी, मुझे इतना आनंद हुआ, और आपकी आवाज़ मैं सुनती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था, आपकी कल्पना करती थी कि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है तो आप कैसे हो गए, मेरी कल्पना के हिसाब से आप नहीं, ऐसा नहीं, कल्पना के हिसाब से आप है, आपका फेस बहुत अच्छा है, और मैंने ममता जी और निम्मी मिश्रा जी, उनकी नटखट आवाज है, और रोज सवेरे में सुनती हूँ उन लोगों की आवाज, और मेरे मैं सखी सहेली में बहुत पत्र लिख चुकी हूँ और मेरे बहुत पत्र उन्होंने पढ़े हैं, इसलिए विविध भारती मेरा बहुत प्रिय प्रोग्राम है और विविध भारती ही मेरे प्रिय है। जब मैं छोटी सी थी तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, आप बोलते हैं ना कि रेडियो ऐसा दिखता है, तो मैं भी ऐसा ही मानती थी कि रेडियो में कोई अंदर घुस गया होगा और यह बोलता होगा, ऐसा ही मैं मानती कुछ छोटी थी, और मुझे धीरे धीरे बम्बई में रहती थी मैं गिरगांव में, तो हाँ तो मुझे संगीत का बहुत शौक था लेकिन कुछ कर नहीं पाई, और क्या है कि गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, पुराने सॉन्ग तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे पिताजी को बोलती थी आप मुझे ले जाओ ना वहाँ, शंकर जी की हमारे वास्ता भी गुजरात के थे,
तो आसपास के लोग भी थे कि जो सिनेमा से जो संलग्न थे उनके यहाँ सीट बनाते थे, इसीलिए मैंने मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी जाते थे उनके यहाँ, नैना साहू है ना, नैना साहू है, शंकर टेकिशन है, यहाँ मेरे पिताजी जाते थे, लेकिन मुझे कभी नहीं लेके जाते थे। वो मुझे आज भी बहुत अफसोस है, मुझे गाने का बहुत शौक था, इसलिए मैं शंकर जी से, जयकिशन जी से मिलना चाहती थी। और दूसरी बात क्या है कि मैं तब राष्ट्रगीत की बहुत शौकीन थी, 8 से 8:15 बजे तक 15 मिनट के लिए राष्ट्रगीत आते थे, और मुझे इतना ये प्रोग्राम पसंद था कि मुझे कोई आज भी कोई राष्ट्रगीत गाए ना तो मैं पुराना सॉन्ग गाती हूँ ना, तो सबको आश्चर्य लगते कहाँ से आया है, कहाँ, मैंने बोला मुझे राष्ट्रगीत बहुत पसंद है, इसीलिए मैं सुनती थी मुंबई में, और इसीलिए मुझे पुराना सॉन्ग सब आते हैं। और आज भी मैं बोरीवली में 8 साल पहले गई थी, तो स्टूडियो मैंने पढ़ा था कि बोरीवली में से है ना अभी, तो मैं बोरीवली में गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सबको देखूँ, रेणु जी को देखूँ, निमी जी को देखूँ, ममता जी को देखूँ, और जयंत पात्री का जो विनोद खान को देखूँ, और किसी किसी को देखूँ, ऐसा लगता था मुझे कि कौन मुझे मिलेगा, पर आज आप मिल गए, एक तो मेरा सक्सेस हुआ, आज आप मिल गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आई देखो वहाँ मेरे मिस्टर छोड़ के गए, और ये तुझे क्या इंटरेस्ट है, मैं जो बहुत इंटरेस्ट है, मुझे जाना ही है, तो मैं और आपको देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। कभी आप मिलने की कोशिश करेंगे स्टूडियो में तो आप मिलेंगे, आप तो रिटायर होगी, पर लगे दूसरे जयंत पात्रिकर जी है, यूनुस खान जी है, मिलेंगे उनके, उन लोगों ने मेरे पत्र पढ़े हैं, मेरी कविताएं पढ़ी है, वो साक्षी है, फूल के बारे में और प्रेम के बारे में मैंने 2 कविताएं भेजी थी, तो उन्होंने पढ़ी थी। ममता सिंह ने कविता वाचा ली थी, बहुत छोटी थी, मुंबई से वेकेशन में गांव में आती थी, तो बत्तमीज का प्रोग्राम आता था सिलोन पर, रेडियो सिलोन पर आई थी, तो मैं इतनी पागल जैसे सुनती थी, रेडियो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता था मुझे। और क्या है कि मैं पुराने सॉन्ग की शौकीन हूँ, इसीलिए मैं ETV राजस्थान पर लेटर लिखती थी, मुझे ये आपका पसंद है, आपका ये पसंद है, आपका पसंद है। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ से जयपुर से मुझे उनका लेटर नहीं आया, एक इंसान आया और बोला कि आप गुजरात में फर्स्ट हो तो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं जयपुर राजस्थान के लिए। तो अनएक्सपेक्टेड वो मेरे घर पे आ गए और मैंने कोई तैयार नहीं की थी। फिर उन्होंने मुझे पुराने सॉन्ग के बारे में बोला, और मेरे एकदम फेवरेट सॉन्ग सिंगर है रफी जी, मैं बहुत छोटी थी पर रफी जी की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, ओहो खोया खोया चैन, वो मुझे इंटरव्यू में बोला है, तो वो मेरा इंटरव्यू लेके गया 1/2 घंटे का, और ETV राजस्थान पर प्रस्तुत किया, क्योंकि ETV राजस्थान में पुराने सॉन्ग आते थे तो 500 गाने पूरे हो गए थे, इस टाइम उन लोगों ने वो किया था प्रोग्राम, तो मेरा भी प्रोग्राम आया था, सभी सूरतवासियों ने देखा और मुझे वापस। મુજે એક પહેચાન ઓર કરવાની હૈ અશોક જી કી શ્રીમતી જી ભી ઇધર હમારે સાથ सोता में हाजिर है, आप थोड़ा अपना नाम बताइए और सबको मंच पर आइए, नहीं आइए कुछ बोलना चाहे तो बोल भी सकती है, कम से कम नाम तो बोलिए अपना। अगर आइए, हम अशोक भाई के दीवाने हैं, आप नहीं आइए नमस्ते सब सूरत वासियों को, आप लोगों ने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम मनस्विता सोनाम है, अशोक जी की वाइफ हूँ, अभी उनके बारे में मैं तो कुछ आप सबको पता ही है। धन्यवाद। परिवार में कितने हैं? दो बेटे, मतलब एक बेटा एक बेटी है। हाँ, बेटा बड़ा है,
बेटी छोटी है, वो प्रोफेसर है हाँ मनोविज्ञान की, और बड़ा बेटा वो एक अमेरिकन फर्म में काम करता है, मिसेज महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भाषा विभाग में जी जी बांद्रा में जॉब चल रहा है। कोई 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 बाकी रह गया अभी छोटा है, नहीं तो हम ये प्रोग्राम को गोयल जी हेलो अशोक जी धन्यवाद, मैं आपको देखने के लिए आया हूँ। आपने बोला कि आवाज दूसरी बात है, लेकिन उस हेलो उस टाइम मुझे एक गाना याद आ गया, वो क्या है, वो आवाज के बारे में है। नाम घूम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है कर याद रहे। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप उसके अलग अलग जो कोई अनाउंसर है वो उसके ढंग से बोलते हैं, लेकिन उनका आवाज तो सेम ही रहता होगा, उसके बारे में आप बताइए। तुम्हारे क्यों सर ना, तो आप सब इधर आए तो आपका भी धन्यवाद है सबको। सॉरी एक आइटम मैंने लाया हुआ है। हाँ जी बोलो, हम साथ में पेश करें। हाँ तो मैं एक है एक हजार एक हजार एक हजार एक हजार ये दोस्ती थैंक यू थैंक यू मैं ये दोस्ती आइए आइए
आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बॉम्बे जाएंगे, आपको हमारे यहाँ कम से कम कमल जी को, निम्मी जी को, ममता जी को, क्योंकि हम उनके बहुत बड़े दीवाने हैं। और आपको मालूम है, आपने एक बार ऐसा मदन मोहन का कार्यक्रम में बोला था गीत का, वो गाने का चाल नहीं मैं सुनाता हूँ। कौन कहता है के चाहत पे सभी का हक है, तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है, मुझसे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। थैंक यू। હું માનું છું જે હજુ ભાઈ તો કાર્યક્રમ હવે આપણે સમાપ્તિ કરીએ, હવે આપ કાર્યક્રમ કો સમાપ્ત કરતે આપ જીતને ભી લોગ આયે રેડિયો શોકિંગ આયે ઓર રેડિયો કો જાનને વાલે આયે ઇસકે લિયે આપ સબકા ધન્યવાદ નમસ્કાર કભી એસા મોકા ફિર કભી આયા તો ફિર એસે મિલેંગે और ये यूट्यूब पे ये प्रसारण करेंगे ये पूरा प्रोग्राम का। मुकेश भाई का विशेष रूप से धन्यवाद। अच्छा।